गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल टुडे वी विल रीड द एट चैप्टर ऑफ ई वी एस यूजफुल प्लांट्स यूजफुल प्लांट्स यानी उपयोगी पौधे तो बेटा आज हम एट चैप्टर रीड करने जा रहे हैं लेट्स स्टार्ट प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम दैम लेटस लर्न अबाउट द थिंग्स प्लाट्स गिवर्स बताया गया पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं हमें उनसे कई चीज़ें मिलती हैं जैसे कि पौधों द्वारा हमें दी जाने वाली चीज़ों के बारे में बोला है क्या ये पढ़ते हैं Let us learn लर्न अबाउट द थिंग्स प्लांट्स us ये क्या क्या हमें पौधों से मिलता है फूड यानी क्या होता है फूड यानी खाना मोस्ट ऑफ़ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स बताया जा रहा है कि हमारा ज़्यादातर खाना कहाँ से आता है भोजन कहाँ से आता है पौधों से आता है पौधों से मिलता है प्लांट्स गिव अस क्रियल्स लाइक व्हीट राइस एंड मेज़ दीज आर द मेन फूड ग्रेन इसमें बताया जा रहा है कि पौधे हमें गेहूँ गेहूँ चावल और क्या देता है बेटा मक्का जैसे अनाज देते हैं मेज़ यानी होता है मक्का दीज आर दिन फूड ग्रैंड बोला जा रहा है कि मुख्य खाने के पदार्थ है दे ऑल्सो गिवस पल्सेज लाइक ग्रैम अरहर मूँग एंड उर्द बताया जा रहा है वे हमें चना अरहर मूँग और जैसे दालें भी देता है पौधे देखो इधर बता रखा है गेहूँ गे वीट हो गया राइस राइस मीन्स चावल ग्रैम यानी चना आर आर यानी बेटा पल्स होती है दालें होती हैं अब ये नीचे पढ़ते हैं प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स सम फ्रूट्स आर जूसी एंड आर ड्राई बताया जा रहा है कि पौधे हमें फल देते हैं कुछ फल रसीले होते हैं और कुछ फल सूखे होते हैं लाइक जैसे मैंगो एप्पल बनाना ग्रेप्स ये सब क्या है जूसी फ्रूट्स हैं रसीले फल हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं अब देखिए ये थोड़े ड्राई वाले हैं जो कि बताए सूखे फ्रूट्स जैसे वॉलनट हो गया यानी वॉल वॉलनट यानी अखरोट आमंड हो गया आमंड यानी बादाम और कैशूनट यानी काजू तो इन सब को क्या हम बुला बोलते हैं ड्राई फ्रूट वी कैन कॉल ऑल्सो ड्राई फ्रूट्स इसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स और ये हो गया जूसी फ्रूट्स ठीक है बेटा तो नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लान्टी वज वेजिटेबल्स ग्रीन एंड लैडी फिंगर ग्रीन एंड लैडी फिंगर वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ वी ई डिफरेंट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स इसमें बताया जा रहा है बेटा कि पौधे हमें सब्जियां देते हैं हरी और पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ बताया जा रहा है कि हरी और पत्तेदार सब्ज़ियाँ सेहत के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स इसमें बताया जा रहा है हम पौधों को विभिन्न भागों को सब्जियों के रूप में खाते हैं जैसे कि हो क्या कैरेट लाइक कैरेट रेडिस पटैटो और जिंजर ये हो गए रूट वेजिटेबल्स बेटा जिनके रेशे होते हैं उनको बोलते हैं रूट वेजिटेबल्स रूट वेजिटेबल्स कौन कौन से हो गई रेडिश एंड कैरेट कैरेट एंड रेडिश ये सारी ये दोनों क्या हो गए रूट वेजिटेबल्स बोलेंगे वी कैन कॉल रूट वेजिटेबल्स एंड स्टिम वेजिटेबल्स बोलेंगे पटेटो एंड जिंजर को कैबेज, स्पिनच ये हो गया लीफ वेजिटेबल्स यानी पत्ते वाली सब्जियाँ कैबेज एंड स्पिनच स्पिनच यानी बेटा होता है पालक और कैबेज होता है बंद गोभी अब ये फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स में दो वेजिटेबल्स आ जाती हैं लाइक टमाटो एंड लेडी फिंगर तो टमाटो एंड लेडी फिंगर ये भिंडी और टमाटर ये हमारे क्या हो गए फ्रूट वेजिटेबल्स आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लांट्स अस टी एंड कॉफी प्लांट हमें क्या देता है टी और कॉफ़ी भी देता है चाय और कॉफ़ी देते हैं वी ऑल्सो गेट शुगर फ्रॉम प्लांट्स वी ऑल्सो गेट फ्रॉम वी ऑल्सो गेट शुगर फ्राम प्लान्टॉरी तो इसमें बेटा बताया गया है कि हमें चीनी भी मिलती है हमें हमें जो प्लांट्स गीवस टी एंड कॉफ़ी हमें पौधों से क्या मिलता है चाय और कॉफ़ी भी मिलती है वी ऑल्सो गेट शुगर फ्राम प्लान्ट और हमें चीनी भी मिलती है तो हो गया टी कम्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लान्ट इसमें बताया बताया गया चाय से आता है एक पौधे की ये जो है टी कहाँ से आता है प्लांट कॉफी कम्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉफी प्लांट्स और कॉफी कहाँ से आता है सीड ऑफ कॉफी प्लांट से शुगर कम्स फ्रॉम शुगर कैन और चीनी हमें कहाँ से मिलते हैं शुगर कैन यानी गन्ने के पौधों से अब आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लांट्स की वर्स स्पाइसेस स्पाइसिस एड फ्लेवर टू आवर फूड बताया जा रहा है कि पौधे हमें मसाले देते हैं मसाले देते हैं और मसाले हमारे भोजन में स्वाद जोड़ते हैं फ्लेवर स्वाद जोड़ते हैं तो अब जैसे ये हो गया कॉरियंडर कॉरियंडर का मतलब होता है कॉरियडर सीड होता है तो उसको बोलते हैं धनिया अच्छा ये लीफ वाला है बेटा तो कॉरिंडर बोलेंगे इसको कोरिएंडर, एंडर यानी यानि लौंग हो गया टर्मरिक यानि हल्दी और पेपर यानी काली मिर्च ब्लैक पेपर बोलते हैं काली मिर्च इसको ब्लैक पेपर बोलते हैं प्लांट्स प्लान्टीवस ऑयल वी क्रश द सीड्स ऑफ ग्राउंडनट मस्टर्ड सनफ्लावर एंड कोकोनट टू गेट ऑयल, ऑयल इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड इसमें बता दें पौधे हमें तेल देते हैं हम तेल पाने के लिए मूंगफली, सरसों सूरजमुखी और नारियल के बीज को क्या करते हैं कुछ चलते कुचलते मतलब उनको पीसते हैं और खाना बनाने के लिए तेल का उपयोग किया जाता है ऑयल इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड तो जैसे क्या हो गया ग्राउंडनट मस्टर्ड सरसों का तेल हो गया ये और सनफ्लावर नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लांट्स गिव अस फाइबर्स फाइबर आर यूज टू मेक क्लोथ्स मैट्स सेक एंड सेक्स एंड रोप्स इसमें बताया जा रहा है कि पौधे हमें रेसे देते हैं रूट्स यानी बताया था मैंने बेटा फाइबर सॉरी फाइबर्स देते हैं और फाइबर आर यूज़ टू मेक क्लोथ्स और फाइबर से क्या बनाया जाता है चटाई रस्सी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ये देखिए कॉटन बॉल कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल से ये बनते हैं शर्ट और फ्रॉक वी कैन कॉल आल्सो कॉटन प्लांट्स एंड कॉटन बॉल अब इधर आइए जूट प्लांट्स इससे मैट बनता है और रस्सी बनती है जूट के पौधों से क्या बनता है मैट यानी चटाई नी रस्सी अब देखो इधर बताया गया कॉटन फाइबर कम फ्रॉम कॉटन प्लांट्स जूट फाइबर जूट फाइबर कम फ्रॉम जूट प्लांट्स नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लांट्स गिवर्स वुड वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर लाइक टेबल चेयर बेड एंड विंडो वी शुड नॉट कट ट्रीज फॉर वुड वी शुड नॉट कट ट्रीज़ फॉर वुड इसमें बताया गया बेटा कि पौधे हमें लकड़ी देते हैं प्लांट्स गिवर्स वुड और लकड़ी का उपयोग टेबल कुर्सी फर्नीचर तक दे रखा ना यहाँ पे. टेबल कुर्सी बेड खिड़की और फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है वी शुड नाट कट ट्री ट्रीज़ फॉर वुड इसमें बताया गया है कि हमें लकड़ी के लिए पेड़ नहीं काटने चाहिए जो सूखे पेड़ होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए अब ये देखिए इधर दे, दे रखा है कि वुड से क्या क्या बन सकता है डोर पेंसिल स्टूल बेड एंड चेयर नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट प्लांट्स की वस पेपर गम एंड रबर पेपर इज़ मेड फ्रॉम बैम्बू रबर इज़ मेड फ्रॉम द जूस ऑफ रबर रबर ट्री गम इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ द कीकर ट्री इसमें बताया गया कि पौधे हमें कागज गोंद और रबर देते हैं कागज बांस से बनाया जाता है रबर के पेड़ के रस से रबर बनाया जाता है और कीकर के पेड़ के रस से गोंद बनाया जाता है गम गम यानी गोंद ठीक है तब इधर देखिए बैम्बू रबर और कीकर कीकर के पेड़ से क्या बनाया जाता है गोंद बनाया जाता है ठीक है बेटा अब आगे पढ़ते हैं Plants give us medicines like quinine and Paniculic. Tulsi leaves are used to cure colds and cough Some parts of plants like alma haldi and aloe vera too are used as medicines इसमें बताया गया बेटा कि हमें क्वेनिन और पेनिसिलिन जो होती है ये जो मैंने पढ़ा है क्वेनिन और पेनिसिलिन ये ये क्या होती है क्वेनिन और पेनिसिल जैसी दवाइयाँ देती हैं हमें जैसे कि तुलसी के पत्तों का उपयोग सर्दी और खांसी ठीक करने के लिए किया जाता है पौधों के कुछ हिस्से देखो दे रखा है सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक आलमा हल्दी एंड एलोवेरा टू आर यूज टू मेडिसिन इन सबको कहाँ यूज़ किया जाता है इन सबको हल्दी और एलोवेरा का उपयोग दवाओं के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है जैसे कि अभी देखिए नीम तुलसी और ये भी पौधे का नाम लिखा हुआ है क्यूका ल्यूट्स प्लांट्स us परफ्यूम्स एस्ट्रैक्ट जूस ऑफ रोज़ एंड jasmine इज़ यूज़ टू मेक परफ्यूम्स इसमें बताया गया है कि पौधे हमें परफ्यूम्स भी देते हैं गुलाब और चमेली के रसों से जूस से इज़ यूज फो मेक फ्रॉम परफ्यूम्स इसे इस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किससे रोज़ एंड जैस्मिन के फ्लावर से ठीक है को लगे अस रिकॉल एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं दोबारा कर लिया जाता है कि हमने क्या क्या पढ़ा प्लांट्स की वस फूड एंड फाइबर्स पौधे हमें भोजन और फाइबर्स देते हैं प्लांट्स वुड परफ्यूम्स एंड मेडिसिन पौधे हमें लकड़ी इत्र और दवाई देते हैं प्लांट गीव पेपर रबड़ एंड गम पौधे हमें कागज़ रबड़ और गोंद देते हैं प्लांट्स मेक आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन पौधे हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाते हैं वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट्स और हमें क्या करना चाहिए हमें पौधों की उचित देखभाल करनी चाहिए अब आइए एक्सरसाइज करते हैं ये सब अपना बेटा पढ़ लीजिएगा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा एंड इसके जो मैं क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ सही गलत तो वो अपनी कॉपी में कर लीजिएगा बुक में भी कर लीजिएगा टिक द करेक्ट आंसर विच वन इज अ क्रियल बताया गया है कि इसमें अनाज कौन सा है अब आप बताइए ग्राम अरहर या राइस तो जो राइस है वो क्रियल है ठीक है विच वन इज़ अ ड्राई फ्रूट अब ड्राई फ्रूट क्या होता है मैंने आपको बताया था कि ड्राई फ्रूट ये होता है वॉलट आमंड एंड कैशूनट तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है आमंट तो आमंड यानी बदाम ये सारा ये हमारा क्या है ड्राई फ्रूट विच प्लांट्स लीवस सॉरी विच प्लांट्स लीव्स आर यूज टू क्योर कोल्ड्स एंड कफ तो हम कौन सा प्लांट्स सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए करते हैं कौन से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है तुलसी का तो यहाँ पर तुलसी आ गया अब बेटा इधर बताएगा राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फ्लाविंग्स निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो दो आपको एग्जाम्पल लिखने उदाहरण लिखने हैं रूट्स ऑफ वेजिटेबल्स जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था रूट्स ऑफ वेजिटेबल्स रूट्स ऑफ वेजिटेबल्स हो गया कैरेट एंड रेडिश तो यहाँ पर आपको कैरेट और रेडिश लिख लेना है मैंने टर्निप भी लिख दिया है टर्निप भी रूट्स वाले होते हैं तो आप यहाँ पे रेडिश भी लिख सकते हैं आर ए टी आई एस एच रेडिश रेडिश हो गया टर्निप हो गया कैरेट हो गया तो इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप आइए नेक्स्ट करते हैं सिम वेजिटेबल्स मैंने बताया था पटेटो एंड जिंजर हो गया सिम वेजिटेबल्स लीव्स वेजिटेबल्स के हो गए पत्ते वाली सब्जियाँ कैबेज एंड स्पिनच ये पालक और बंद गोभी फ्रूट्स वेजिटेबल टमाटो और लेडी फिंगर हो गया ये मैंने बेटर चैप्टर में अभी जस्ट आपको पढ़ाया है तो आपको कर लेना है नेम द प्लांट्स दैट गिव अस द फ्लोविंग थिंग्स बताया गया है कि उन पौधों का नाम बताइए जो हमें निम्नलिखित चीज़ें देती हैं अब शुगर इनका इनका नाम शु बताना है शुगर कम्स फ्रॉम शुगर कैन गन्ने के पेड़ से. से है। पेड़ पौधे से रबर जूस फ्रॉम रबर ट्री कहाँ से है रबर ट्री आप अगर रबर ट्री भी लिख दोगे तब भी ठीक है गम कहाँ से आता है केकर ट्री से पेपर कहाँ से आता है पेपर इज मेड फ्रॉम बैम्बू पेपर हमें कहाँ से मिलता है बैम्बू से बैम्बू के पौधे से परफ्यूम कहाँ से मिलता है रोज एंड जैस्मिन से मेडिसिन क्यूनिन एंड पैनिस पैनिक पढ़ाया था मैंने आपको तो यहाँ से मिलता है आंसर क्वेश्चन अब आपको बताया गया है कि इसमें आपको निम्नलिखित सवालों के जवाब देने हैं राइट द नेम्स ऑफ क्रियल्स एंड पल्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स बताया जा रहा है कि अनाज और दालों के नाम लिखिए जो हमें मिलते हैं पौधों से तो कौन से जैसे वीट राइस ग्राम अरहर ये सारा हमारे कहाँ से मिलता है पौधों से विच प्लांट्स गिवर्स फाइबर्स कौन सा पौधा हमें फाइबर्स देता है कॉटन प्लांट्स कॉटन बॉल और जूट प्लांट्स वाट इज़ वुड यूज फॉर बोला गया है लकड़ी हमें क्या का? लकड़ी हमें लकड़ी का उपयोग किस लिए किया जाता है वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर लाइक टेबल चेयर बेड एंड विंडोज लकड़ी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं फर्नीचर बनाने में जैसे कि टेबल चेयर कुर्सी बिस्तर और विंडो खिड़की बनाने में और डोर भी लिख सकते हो आप अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ये वाला तो बेटा आपको दे रखा है राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन एनी वन ऑफ देम आपको एक सेंटेंस लिखना है विजिट एंड और अ फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री इन और नियर योर सिटी तो ये नहीं करना है इसको आप छोड़ देना ये वाले को अब इधर देखिए मेक ऑयल एट होम बताया गया है कि घर पर तेल बनाओ पुट सम ग्राउंड नट सीड्स ऑन अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर। बोला गया है कुछ मूँगफली के दानों को अखबार के टुकड़े पर रखें फोल्ड इट ओवर द सीड्स प्रॉपरली और इसे क्या करें इसको ऊपर से से मोड़ दें क्रश विथ अ रोलिंग पिन मोड़ मोड़ दें से केयरफुली ओपन द फोल्ड्स और फिर उसको ओपन करें जो आपने उसको पेपर को मोड़ता यू विल फाइंड ऑयल ऑन द पेपर आप कह रहे हैं कि तुम पाओगे कि पेपर पर तेल है डू नॉट लिक दिस ऑयल एज इट इज़ नॉट क्लीन कह रहे हैं और इस पेपर को इस कागज को आप चाटे नहीं क्योंकि ये साफ नहीं होगा ठीक है अब देखिए इन द दे किचन रसोई घर में आस्क योर मदर द नेम्स ऑफ द स्पाइसिस शी यूज इन कुकिंग बोला कि अपनी माता से पूछो खाना बनाने के उपयोग में किए जाने वाले राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी फाइव ऑफ दम इन द स्पेस प्रोवाइडेड below। इसमें बोला गया है कि बेटा खाना बन पकाने के उपयोग के किए जाने वाले मसालों के आपको नाम लिखने हैं जो कि अपने मम्मी से पूछे हैं और जो नीचे दिए गए फिलेंडर ब्लैंक्स दे रखे हैं उसमें आपको उन मसालों के नाम लिखने हैं तो जैसे अभी हमने यहाँ पे भी कई सारे मसालों के नाम पढ़े हैं ये देखिए जैसे कोरिएंडर सीड क्लोव टर्मरिक तो मैंने यहाँ पे लिखा है आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं टर्मरिक मैंने लिख दिया यानी हल्दी क्यूमिन सीड यानी जीरा जो कि किचन में यूज़ होता है हल्दी भी यूज़ होती है कोरिएंडर सीड यानी धनिया धनिया सॉल्ट यानी नमक सीनामन यानी बेटा दालचीनी तो ये सभी किचन में यूज़ होते हैं मसालों के नाम है सारे स्पाइसेस नेम हैं बेटा जो नेक्स्ट है बस आपको यहीं तक करना है बाकी जो इसका लाइफ स्किल्स है सेफ पेपर सेफ ट्री और दिस वन पार्ट आल्सो टेस्ट पेपर वन ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी तो अभी के लिए इतना ही